नगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वेषणों में एकओवर द्वारा की गई एक नई पहल। आज दिनांक 19/4/2022 को वेषणों में एकओवर द्वारा 5 दिन के फ्री क्लास पूर्ण होने के उपरांत विमला सक्सेना की बेटी कामना सक्सेना द्वारा मॉडल पर डेमो देकर सिखाया गया एवं 30 स्टूडेंट्स को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें मेकओवर द्वारा मेकअप संबंधी आधुनिक नई नई टिप्स सिखाई गई। जो बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जो एडवांस कोर्स नहीं कर सकते, आर्थिक परेशानी की वजह से इस कोर्स को करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उन परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेषणों मेकओवर की संचालिका विमला सक्सेना के द्वारा मुरादाबाद में यह नई सोच की पहल का शुभारंभ किया गया। जो बच्चे इस कोर्स को करने में सक्षम नहीं है, उन्हें वेषणों मेकओवर द्वारा 5 दिन की फ्री क्लास दी गई और बताया, मेरे पास प्रोफेशनल एडवांस कोर्स के लिए जो बच्चे आते हैं उन्हें कम से कम चार्ज में सिखाया जाएगा और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी हर संभव मदद एवं पूर्ण लाभ दिया जाएगा। एवं जो बच्चे वेषणों मेकओवर में फुल कोर्स सीखते हैं उनकी योग्यता अनुसार उनको मेकओवर में जॉब भी प्रदान की जाती है। क्या नाम आपका? मीनाक्षी। क्या सीखा आपने? यहाँ हमारा 5 दिन का कोर्स चल रहा था जिसमें हमें कामना ने बहुत ही अच्छा मेकअप सिखाया और उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो लोग बहुत मतलब कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हमें मिले जो लिटरली बहुत नीडी थे और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों ने सबसे पहले मुरादाबाद में ये चीज़ स्टार्ट किया और ये चीज़ बहुत अच्छी स्टार्ट की है। इससे वो महिलाएं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती थी, जो अपने घर से बहुत नीडी थी, हमें ऐसी महिलाओं के साथ भी हमने बात की तो उनका हमें पता चला कि एक्चुअल में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स थी और यहाँ आकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद से भी कुछ कर सकती हैं और इससे वो अपने घर वालों की भी मदद कर सकती हैं और थोड़ा वो अपने घर वालों के प्रेशर से भी बाहर निकल सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था जो इन्होंने स्टार्ट किया और मैं इन्हें बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि ये इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा जाए और ये आगे भी ऐसे करते रहे। तो इन 5 दिनों में आपको कैसा फील हुआ? बहुत ही अच्छा फील हुआ, बिल्कुल ऐसा घर जैसा ही फीलिंग थी क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रिक्टनेस या फिर कुछ ऐसा, बहुत ही फ्रेंक नेचर की है और बहुत ही अच्छा था। तो लगता है आपको इससे महिलाओं को आगे रोजगार मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है कि हर महिला को आज अपने कदम अपने खड़ा होना पैरों पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हर फील्ड में हर इंसान नहीं जा सकता, पर ये फील्ड ऐसी है कि आप फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाकर अपना एक बहुत बड़ा पार्लर खोलना पड़ेगा, आप तभी चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो ऐसी महिलाएं जो बहुत दबी हुई थी उन्हें एक ही सहारा ज़रूर मिलेगा कि वो आगे ये ज़रूर सोचेंगी, जितना उन्होंने आज भी सीखा है इन 5 क्लासेस में भी बहुत कुछ सीखा है, तो वो इससे भी अपना कुछ एक नया इनिशिएटिव बहुत स्टार्ट कर सकती हैं। क्या है मेकओवर, किस चीज़ के में काम करता है? ये ब्यूटीशियन से रिलेटिव है, इसमें महिलाओं के लिए मतलब बहुत अच्छा रोजगार की वो है अपॉर्चुनिटी कि इसमें आए आगे बढ़े। और ये एक ऐसा भी संस्था है कि यहाँ पे हम लोगों ने 5 डेज की तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी हैं जिससे ये लोग आगे आए, अपने हुनर को निखारें, क्योंकि कोई भी कोर्स है आजकल देखिए बहुत महंगे कोर्स हो चुके हैं तो बंदा जल्दी से इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग फाइनेंशियल कंडीशन में भी इशू होते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेकओवर में अपने एक प्लान रखा है कि जो लोग नीडी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कोर्स सिखाए गए। ठीक है, तो क्या क्या लगा 5 दिनों में, क्या हुआ सर? बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर कोर्स के लिए आना चाहते हैं और आगे भी भविष्य में मैं ऐसी प्लानिंग लाती रहूँगी जिससे बच्चों में उत्सुकता बनी ये रहे। सीखने के बाद क्या आप इनको जॉब भी ऑफर कर रहे हैं? हाँ, इसमें सीखने के बाद हम लोग इनके लिए जॉब का ऑफर भी है क्योंकि जो यहाँ से ट्रेंड होंगे उनकी टेक्निक भी हमारे ही जैसी होगी तो हमें उनमें जॉब देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आज कितने बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए? आज अप्रोक्स 30 बच्चे थे जिनको हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए और डेमो भी दिया गया यहाँ पर मॉडल का, जो उनको पूरा मेकअप करके दिखाया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम कामना सक्सेना है। वैष्णो मेकओवर क्या है? वैष्णो मेकओवर का हमारा यही मेन उद्देश्य है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं उन लोगों को इतनी जल्दी प्रेरित करने के लिए आज तक मुरादाबाद में शायद ही किसी ने फ्री क्लासेस का स्टार्ट करा है होगा। पर मैंने ये सोचा कि 5 दिन हम उनको ऐसी ऐसी टिप्स बताएंगे मेकअप की जिससे वो क्या कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग में जा सकती हैं। फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते हैं वो, अपने घर में ही एक छोटा सा
पार्लर खोल सकती हैं, जिससे वो खुद का मेकअप तो कर ही सकती हैं और अपने रिश्तेदारों का हो गया, आस पड़ोसियों का हो गया, जिससे उनका क्या बन जाएगा, अर्निंग का जरिया बन जाएगा। सो ये आगे चल के क्या होगा उन महिलाओं को जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार की हैं, जो लोग 1 लाख का या 1.5 लाख का या 2 लाख का कोर्स करने नहीं जा सकती, तो उनको मैंने सिर्फ 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन फीस में उनको 5 दिन की फ्री क्लासेस दी हैं। आपके मेकओवर को कितना कम हो चुका है? मेरे मेकओवर को कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं। मेरी मम्मी ही ये मेकओवर चला रही हैं, पर अभी मैं यूवी घई सर से सीख कर आई हूँ। सो मैं वो चीज़ लाना चाहती हूँ कि नई तौर की जो मेकअप की स्किल्स हैं वो लोग भी देखें, क्योंकि मेकअप आजकल पुराने ज़माने का नहीं रह गया है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ जो नई चीज़ें हैं वो लोग भी सब सीखें। आपके जो फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मेरा मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो महिलाएं अपने आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, पहली चीज़ तो ये कि उनको घर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, प्रेशर में इतना ज़्यादा दब जाती हैं कि वो अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पाती हैं। तो वो अपने समय भी निकालेंगी, दूसरों के लिए एक अर्निंग का जरिया भी बनेंगी और खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। ये सोच आपको कहाँ से मिली थी? ये मेरे को सोच जो है मेरी मम्मी से मिली थी, क्योंकि उन्हीं की सोच है ये जो मैं पूरे मुरादाबाद में सभी महिलाओं को इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएं और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये आप दोबारा भी करेंगी जो? हाँ, मैं ये दोबारा भी करूँगी, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी भी, 5 दिन की जगह मैं उसे 1 हफ्ते का करूँगी, जिससे क्या हो उनका और मेरे बीच का क्या हो, एक भरोसा पैदा हो, क्योंकि भरोसे से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो क्या एक्सपीरियंस मिला आपको 5 दिन में? 5 दिन में मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस मिला जिनसे शायद ही मैं कभी मिल पाती। उन लोगों को मैंने जाना, उन्होंने मुझे जाना। सो हर तरीके के इंसान से जब हम मुलाकात करते हैं तो हमें एक नई सोच मिलती है हर इंसान की। मुझे तो उन्होंने समझा ही, पर मैंने भी उनकी स्थिति को समझा।